कुछ मतदान केंद्र पर चुनावी अनियमितताओं और काफी हंगामे के बाद भारत के चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्र में 8 मतदान केंद्र पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। ये निर्णय 19 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक मतदान के दौरान हिंसा और बूथ पर कब्जे की रिपोर्ट के जवाब में आया है। 8 मतदान केंद्र के लिए पूर्ण मतदान 24 अप्रैल 2024 को सुबह 6 बजे से निर्धारित है। दोपहर 2 बजे तक जिस पर अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रभावित मतदान केंद्र में ईस्ट कामेंग जिले के बामेंग एसी में 40 सारियों, कुरुंकुमे जिले के तहत न्यापिन एसी के 13 लोंगतेलोत, नाचो एसी में 22 दिंगसर, 23 बोगिया सियुम, 34 जिम्बारी और 45 लेगी मतदान केंद्र शामिल है। अपर सुबनसिरी जिले और सियांग जिले के अंतर्गत रोमगोंग एसी में 19 बोगन और 22 मोलोम मतदान केंद्र अरुणाचल प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ पवन कुमार सेन ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) और 58(a)(2) के तहत चुनाव आयोग के आदेश का हवाला देते हुए पूर्ण मतदान नोटिस जारी किया है। इस बीच अपर सुबनसिरी जिले के डीसी सर डीओ तालो पोतम ने कहा कि वे 24 तारीख को होने वाले पूर्ण मतदान में किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी हिंसा या बूथ पर कब्जा करने को नहीं बख्शेंगे और दोषी पाए जाने पर गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी। जो है, जो रिपोल हो रहा है, बोगिया सिंह और दिनसर 4 पोलिंग स्टेशन जो 19 को इलेक्शन कर नहीं पाया, उसको लेके अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल रात को हमें रात को 10-11 बजे में हमको प्रेस पोल करने के लिए ऑर्डर दिया है। और प्रेस पोल करने के लिए हमको 24 को डेट तारीख दिया हुआ है, तो इसका अरेंजमेंट कर रहा है हम लोग। आज सुबह से पोलिंग टीम को बना लिया है, अभी एसपी साहब भी इधर है। पोलिंग कहाँ में फेल होता है, तो पोलिंग उधर अब फेल होता है। आप देखिए ये पोलिंग स्टेशन में ईसीआई का गाइडलाइन जो है 5-6 होता है, 3 होता है। अभी 200-300 आदमी को क्या लड़ेगा, तो पोलिंग तो जहाँ में बैलेंस होता है, तो जैसे अभी यहाँ सामने होता है, ये दापोरिजो से 2 घंटा जहाँ जाना है या 3-1 घंटा जाना है, तो एसपी है हमें, हम लोग चला जाता है और बैलेंस होने नहीं देता है। लेकिन ये अभी जिम्बाराई जो है, यहाँ से 1 दिन का गाड़ी जाना है, फिर 1 दिन पैदल जाना है, वहाँ में हम क्या कर सकता है, ना नेटवर्क है, ना पुलिस का वो ओकी तोकी से काम कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में काम करना होता है। उसका ऊपर में बारिश होता है और रहने का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ में पोलिंग स्टेशन ज़रूर है, लेकिन जितना भी वोटर्स है ईटानगर से आता है, दापोरिजो से जाता है, वहाँ लोकल 1-2 घर सिर्फ होता है। अभी जैसे कि अभी हमारा 50-60 पुलिस जाएगा, रहने का बंदोबस्त करना है, फिर हमारा पोलिंग टीम तो जाएगा, 15-20 आदमी जाएगा, हमारा ऑफिसर्स लोग होगा, तो ऐसे 207 पोलिंग स्टेशन को मैनेज करना। तो अभी मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूँ कि आज अभी कल परसों का जो पोलिंग है, आज देखिए कुछ नहीं होगा। अभी जो लोग गंदगोल किया था उसको हम लोग घर घर जंगल नदी नाला ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो को जो देख रहा है दापोरिजो अपर सुबनसिरी का, जिसने ये पोलिंग स्टेशन में ये गंदगोल किया, वो बुरी हो, बुरा हो, जवान हो, वो उसको हमको अभी एड्रेस बताओ, उसको अरेस्ट करने के लिए हम ढूंढ रहे हैं। और अभी जो कोशिश करेगा उसको आप देखो, हम जो जितना ऑर्डर है हम साइन करके भेज रहे हैं। अगर हम 4 पोलिंग स्टेशन होता है, वो 4 पोलिंग स्टेशन में एट ए टाइम हम भी नहीं रह सकते हैं।